दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की, जो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। Amazon के शेयरों में आए बढ़त की वजह से बेजोस की वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति का मूल्य करीब 90.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था, जबकि गेट्स के पास 90 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। हालांकि बेजोस कुछ ही देर बाद फिसलकर फिर से दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि Amazon के शेयरों द्वारा बनाई गई बढ़त फिर से कम हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, जेफ ने amazon.com की स्थापना कर लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए ऑनलाइन आदेश करिए और सामान आपके दरवाजे पर हाजिर, वह भी बाजार से सस्ती कीमतों पर। जेफ की यही सोच उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई कि आज के समय में उनका नाम सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। दोस्तों जेफ बेजोस आज भले ही अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। बेजोस जिनका जन्म एक नाबालिग माँ की कोख में हुआ और 18 महीने की उम्र में ही उनके पिता उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए। आगे चलकर सौतेले पिता की छत्रछाया में उन्होंने पढ़ाई की तो वहीं नाना के यहाँ रहकर अपनी छुट्टियां बिताई और फिर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस में कूद पड़े। तो चलिए दोस्तों बेजोस के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को हम शुरू से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वे पैदा हुए थे उस समय उनकी माँ जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उनके पिता का नाम जॉर्गेंस था, जो सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्हें और उनके माँ को बेसहारा छोड़कर चले गए, जिसके बाद कुछ सालों तक जैकलिन यानी उनकी माँ ने उन्हें अकेले संभाला। और फिर जब वे 4 साल के हो गए तब उन्होंने मिगुएल बेजोस नाम के आदमी के साथ फिर से शादी कर ली, जिसके बाद जेफ अपना सरनेम बेजोस लिखने लगी। शादी के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया और मिगुएल वहां एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। दोस्तों जेफ के अंदर शुरू से ही नए नए चीजों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते और फिर उसे जोड़ते रहते थे। दरअसल वे जानना चाहते थे कि कोई भी चीज काम कैसे करती है। वे शुरू से ही अपने उम्र के बच्चों से काफी अलग थे। जेफ ने रिवर रॉक्स एलिमेंट्री स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और अपनी छुट्टियां उन्होंने अपने नाना के वहां बिताए। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को टेक्नोलॉजी में प्रूव किया। बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया। आगे चलकर उनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर शिफ्ट हो गया, जहां जेफ ने पॉलमेटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। पॉलमेटो में पढ़ाई करते समय उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, जहां उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों जेफ हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में गिने जाते रहे हैं। स्कूल के दिनों से ही उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था।